अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जो है हम सिंपल स्पंज केक की रेसिपी ट्राई करेंगे। काफ़ी जो है रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि सर आप अपनी जो है स्पंज केक की रेसिपी बताएं। ठीक है, चले आज जो है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे पास। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये मेरे पास जो है 8x8 का जो है पैन है, इसको मैंने ग्रीसिंग कर ली है, इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अच्छा, और इसमें जो है मैं 4 एग यूज़ करूँगा। ठीक है ना, ये 2 पाउंड रेसिपी बता रहा हूँ मैं। 4 एग यूज़ करूँगा, 94 ग्राम शुगर है, 94 ग्राम फ्लावर है। ठीक है ना, ये फ्लावर को मैंने छान लिया है। ठीक है ना, और इसको जो है अभी आइए मैं ट्राई करते हैं। ठीक है ना, पहले जो है हम व्यूअर्स, अब जो है मैं इसमें 4 एग को पहले मिक्स करूँगा, सिर्फ बीट नहीं करूँगा, सिर्फ मिक्स करना है एग वाइट एग योक को, जो है एक जज्जा हो जाए उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, से मिक्स हो गए। अब इसमें जो है हम शुगर ऐड कर लेंगे। अब उसको जो है हम शुगर ऐड करके इसको हम ये व्यूअर्स आपके सामने जो है तकरीबन 5 मिनट होने को आ रहे हैं। 5 मिनट तो मशीन चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी देर लगती है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, देखिएगा ये जो अब तकरीबन होने वाला है ये, लेकिन ये है कि अभी जो पोजीशन है मैं बता दूं कि ये रेडी नहीं है। अक्सर लोग जो है मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये रेडी है, मैंने इसमें जो है फ्लावर मिला दिया है। ये पोजीशन जो कंसिस्टेंसी अभी आप देख रहे हैं, ये चीज़ नहीं अभी रेडी है। ठीक है ना, तो अभी इसको और व्हिपिंग, इसको अभी और जो है बीट करना है एग को और शुगर को, तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक वो बीट, जब आप इसको बीट कर रहे होंगे तो इसमें आप देखिए कि लाइन आना शुरू हो गई। ये देखिए लाइन आना शुरू हो गई, ये लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि ये तकरीबन होने पर है। इसके बाद ज़रा सी और देर चलानी, मुश्किल से 2 मिनट चलाना होगा, उसके बाद हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, आपके सामने देखिए ये रेडी है। तकरीबन मुझे इस मशीन से 9 मिनट लगे हैं 4 एग को बीट करने में। ठीक है ना, 2 पॉइंट साइज़ के लिए आपको 4 एग की जो मैंने रेसिपी बताई है, जिसमें 94 ग्राम आपके फ्लावर है और 94 ग्राम आपके शुगर है और 4 एग, उसमें तकरीबन मुझे जो है इस मशीन से 9 मिनट लगे। ठीक है ना, ये रेडी है, तकरीब बिल्कुल रेडी है पूरा। बस इसको मैं आपके सामने जो की पोजीशन क्या है, ये कैसा टेक्सचर आ रहा है। ठीक है ना, बस ये इतने, ये देखिएगा किस तरीके से ये इसमें ठहर के गिर रहा है। ठीक है ना, ये पोजीशन होगी, रनिंग नहीं होना चाहिए और इतना स्टिफ भी होना चाहिए कि यहाँ पर क्रीम की जगह ठहर जाए, क्रीम की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तकरीबन हो, मतलब ये हो गया है। अब इसको हम जो है इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। फ्लावर को जो ऐड करना है वो बिल्कुल ऐसे ऐड करेंगे जैसे कि फोल्ड करना है। ठीक है, इसको जैसे मूस में आप करते हैं इस तरीके से करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके जो है आप इसमें डालें। बिल्कुल उसको आराम से, लेकिन मेक श्योर कि कोई लम्स ना रहे इसमें, वरना फिर जो है आप जब मतलब ये बेक होकर आएगा स्पंज, तो उसमें आपको जो है ये लम्स मिल जाएंगे। तो इसके ये देख रहे होंगे कितना फ्लफी है, ये फोम की तरह है बिल्कुल। ठीक है ना,
देखिए फोम की तरह का टेक्सचर है इसका, ये ऐसे ही होना चाहिए, ना ज़्यादा रनी होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना ही इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल क्रीम की तरह स्टिफ हो जाए। ठीक है, ये आपके सामने सब मिक्स हो गया है। अब ये इसको मैं पैन में डालता हूँ। ओवन जो है प्रीहीट कर चुका हूं मैं, ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मैंने ओवन को प्रीहीट में लगाया है। ये पूरा बैटर जाएगा इसमें 8x8 साइज के पैन, ठीक है, इसको हम जो है अब बेक के लिए देते हैं। अच्छा व्यूअर्स देखिएगा कि मैंने ये पैन का साइज देखिएगा क्या हाइट है इसकी और कितना मैंने जो है इसमें बैटर डाला है, इसको इससे ज़्यादा फुल नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हल्का सा राइज होगा। तो अगर आप कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि सर बैटर बाहर आ जाता है पकने के बाद, तो वो इसी वजह से आता है कि अगर ओवर होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो फ्लो बाहर आएगा इसका, ठीक है। आइए इसको जो है बेक करने के लिए डालते हैं। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा कि ये नॉर्मल सा एक छोटा सा ओवन है जो मुश्किल से 10-12 हज़ार में मिल जाता है नया, इसमें मैंने इसीलिए बेक कर रहा हूँ ताकि जो है ये आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। देख लीजिए किस तरह गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि ये साइडें इसने अभी नहीं छोड़ी हैं। अगर आप गौर करें तो साइडें अभी भी लगी हुई हैं स्पंज के साथ, ठीक है ना। जब ये बिल्कुल साइडें छोड़ देगा स्पंज तब इस मीन्स रेडी है। तकरीबन जो है इसमें 5 से 7 मिनट और रहते हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा व्यूअर्स आपके सामने ये स्पंज रेडी है और ये तकरीबन बेक होने में इसको 32-33 मिनट लगे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अभी बिल्कुल गर्म है, तो इसको हम जो है अपसाइड डाउन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। ये व्यूअर्स आपके सामने ये रेडी है, देखिए कितने स्पंजी है इसका, ये हैं हम। अभी आपको देखिए किस तरीके से सॉफ्ट है बिल्कुल। अब ये जो है मैंने आपको 4 egg की रेसिपी बताई होगी, ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है, अब समझ में आ गई होगी कि कितना इसको देर तक बीट करना है। मैंने जो है इस मिक्सर से हैंड मिक्सर जो है इससे मैंने तकरीबन 9 मिनट जो है मैंने बीट को, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा और भी रेसिपीज़ और डेकोरेशन टेक्निक सब इंशाल्लाह मैं बताऊंगा वीडियो, और इंशाल्लाह ये वैसे बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन न्यू कमर्स जो है मेरे पेज में वो मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे कि सर जो है आपकी क्या रेसिपी है स्पंज की, आप मुझे बता दें, तो मैंने ये आज बता दिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह इसी तरह और भी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, आप बस सब्सक्राइब करें ताकि आपको बार बार जो है इन्फॉर्म नहीं करने पड़े, आपको खुद ही जो है ईमेल आ जाएगी, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।